खबर के इस भाग के प्रायोजक है केयर हॉस्पिटल फल मंडी खानखा मदरसा सासाराम। जिला मुख्यालय सासाराम के पूर्वी छोर पर अवस्थित पायलट बाबा धाम परिसर में स्थापित स्फटिक शिवलिंग लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर बना यह भव्य मंदिर अपनी अलग पहचान रखता है। अभी हम मौजूद हैं सासाराम के पायलट बाबा के मंदिर और यहाँ स्फटिक का शिवलिंग है। बताया जाता है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर के तर्ज पे इस मंदिर को बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ कि स्फटिक का शिवलिंग है और खास बात ये है कि यहाँ आने के बाद जितने भी देवी देवताओं की मूर्ति है सबका दर्शन हो जाता है। जिला मुख्यालय सासाराम के पूर्वी छोर पर अवस्थित पायलट बाबा धाम परिसर में स्थापित स्फटिक शिवलिंग लोगों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर बना यह भव्य मंदिर अपनी अलग पहचान रखता है। सासाराम रेलवे स्टेशन से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित पायलट बाबा धाम की आधारशिला वर्ष 2008 में रखी गई थी, जो अपने निर्माण काल से ही श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और अभी भी मंदिर परिसर के कई हिस्सों में निर्माण कार्य बदस्तूर जारी है। देखिए, ये मंदिर जो है महायोगी महामंडलेश्वर श्री पायलट बाबा जी के द्वारा स्थापित किया गया है। यह भारत के पूर्वोत्तर ज्योतिर्लिंग के नाम से यह सिद्ध ज्योतिर्लिंग है, जो कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर के तर्ज पर इसकी पूरी जो आकृति आप ढांचा देखेंगे तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर के तर्ज पर ही है और इसका नाम भी श्री सोमनाथ पूर्वोत्तर ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थापित है। बाबा जी यहाँ बगल के ही गांव के हैं। बहुत दिन तपस्या करने के बाद, समाधि लेने के बाद यहाँ के लोग को जो पता लगा जब वहाँ गए मिलने के लिए, तो जब यहाँ पर आए हो तो उनसे आग्रह किए कि आप यहाँ पर कुछ अपने जन्मभूमि पर कुछ ऐसा स्थापित कीजिए जिससे कि यहाँ के लोगों का भी जीवन यापन ढंग से शुरू चले। तो बाबा जी ने बहुत इस मंदिर को बनाने के लिए बहुत मतलब कि योगदान अपना दिए यहाँ पर और ये भव्य मंदिर का निर्माण किए, जिसमें श्री सोमनाथ मंदिर है, बुद्ध भगवान का मंदिर है, शिव जी शंकर भगवान का 111 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो कि ये अपने आप में मिसाल है। बताया जाता है कि यह पूर्वोत्तर ज्योतिर्लिंग देश का 13वां ज्योतिर्लिंग है, जो स्फटिक पत्थर का बना हुआ है, जिसके दर्शन मात्र से ही भक्तों के ग्रह और कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंदिर की खास विशेषता यह है कि इसमें 7 दरवाजे बनाए गए हैं जो स्वर्ग के 7 लोक को इंगित करते हैं। वहीं मंदिर की दीवारों पर सभी देवी देवताओं की आकृतियां और मनोरम नक्काशी की गई है, जो भक्तों को अपनी ओर अनायास की आकर्षित करती है। कहा जाता है कि देश के सभी ज्योतिर्लिंगों में स्फटिक रत्न से बना हुआ यह देश का पहला ज्योतिर्लिंग है, जिसे पूर्वोत्तर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। मंदिर के बाहरी परिसर में भी 7 बड़े बड़े द्वार बनाए गए जो दर्शनार्थियों को खूब आकर्षित करते हैं। मंदिर के पुजारी राधे राधे जी कहते हैं कि सभी रत्नों में स्फटिक बहुत ही विशेष रत्न माना जाता है, जिसके दर्शन मात्र से लोगों के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। जो मंदिर हमारे भगवान सोमनाथ जी का है, जो अभी हम गर्भगृह के अंदर खड़े हैं, यह स्फटिक दिव्य ज्योतिर्लिंग है जो स्फटिक रत्नों से बना हुआ है और इसकी खासियत होती है कि आप स्फटिक को ऐसे भी नज़रों से देखते हो तो आपके जीवन के ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। इसे सनातन धर्म भी प्रमाणित करता है और साइंस भी प्रमाणित करता है। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर ज्योतिर्लिंग के नाम से भगवान सोमनाथ जी के स्फटिक के रत्नों से बना हुआ दिव्य ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जो बहुत ही दार्शनिक के साथ साथ अति रमणीय है। बाबा पायलट धाम परिसर में स्थापित स्फटिक ज्योतिर्लिंग पूर्वोत्तर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही अद्भुत है। यहाँ प्रातः और संध्या काल में आरती की जाती है, जिसमें भक्त बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं।
ग्रीष्म काल में प्रातः 5 बजे और शरद ऋतु में प्रातः 6 बजे आरती की जाती है, जबकि भगवान भोलेनाथ को शुद्ध देसी घी के लड्डू से भोग लगाया जाता है। किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और श्रद्धालुओं में ऐसी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं के लिए सालों भर लंगर और प्रसाद का वितरण किया जाता है तथा बाहर से आने वाले भक्तों के लिए कमरे भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जो काफ़ी किफ़ायती दर पर उपलब्ध हैं। तो आप देख सकते हैं कि फिर से एक बार आपको दिखा रहे हैं कि ये जितने भी देवी देवता हैं, यहाँ आने के बाद सब देवी देवता से आपका दर्शन हो सकता है। और इस मंदिर की खास बात है कि जितने भी लोग हैं, चाहे किसी धर्म से आएँ, वो इस मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। रोहतास से डब्लू सिद्दीकी की रिपोर्ट, बिहार न्यूज। खबर के इस भाग के प्रायोजक थे केयर हॉस्पिटल, मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर, फल मंडी मीना बाजार के पीछे सासाराम, साथ ही संस्थान की स्त्री एवं प्रस्तुति डॉक्टर मेहरा एरम एवं डॉक्टर इरफान अनवर की तरफ से सासाराम वासियों को ढेरों शुभकामनाएं।